तो एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके सामने 1 मिनट सॉल्यूशन में। आज हम बात करेंगे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की। काफ़ी बार मैंने भी देखा है कि कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाती है, कोई कंटेंट हमारा अनफेयर हो या कोई ऐसा कंटेंट लेके आए जो किसी रूल का उल्लंघन करता हो। यूट्यूब के रूल का उल्लंघन करने वाले कंटेंट को यूट्यूब स्ट्राइक दे देता है, या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक वो होता है जो कोई दूसरा हमारे चैनल पर डालता है, या यूट्यूब खुद भी कॉपीराइट स्ट्राइक काफ़ी बार डाल देता है। तो आज मैं बात कर रहा हूँ कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की, क्योंकि मेरे चैनल पे भी आया है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, तो मैंने उसको सॉल्व भी करवाया है, मेरा वीडियो वापस भी आ चुका है। इसमें वीडियो आपका रिमूव कर देता है यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक में, किसी कंटेंट की वजह से, किसी नाम की वजह से, कि ऐसा नाम चूज़ करते हैं आप, टाइटल चूज़ करते हैं कि जो उसके टर्म एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं कर पाता, या फिर कोई ऐसा थंबनेल लगा देते हैं जो उसके टर्म एंड कंडीशन के ख़िलाफ़ हो, उसके लिए कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आता है। तो वो कैसे रिमूव करेंगे जानिए इस वीडियो में, और देखते रहिए वीडियो के एंड तक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों, और मेरे चैनल 1 मिनट सॉल्यूशन को जरूर जरूर सब्सक्राइब करना। देखिए हमारे चैनल के ऊपर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आते ही कई हड़बड़ा जाते हैं, काफ़ी बार यूट्यूबर्स जो नए यूट्यूबर्स हैं वो हड़बड़ा जाते हैं कि कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ गया तो इसे कैसे रिमूव करेंगे, हमारा तो वीडियो हट चुका है। सबसे पहले मेन बात जो होती है सोचने की वो ये है कि अगर आपका वीडियो है आपके पास जो रिमूव हो चुका है, उस वीडियो को आप डिलीट ना करें। सबसे पहली मेन बात ये है, आप वीडियो को डिलीट ना करें। अगर आप वीडियो को डिलीट कर देंगे तो जो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आई हुई है वो आपकी कमी रिमूव नहीं होगी, जो आपका वीडियो है वो आप वापस नहीं आ पाएगा। मेन बात यही ध्यान रखनी है कि वो वीडियो आप डिलीट ना करें, किसी भी हाल में आपकी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक है वो हट जाएगी। मैं उसके तरीके बताऊंगा कि आपको कैसे हटवाना है। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें कि जो आपने वीडियो डाली है उसमें कंटेंट आपका कैसा है। जैसे कि मैंने मेरे चैनल पर वीडियो डाली विंडो 10 से रिलेटेड, तो विंडो 10 से रिलेटेड मैंने प्रोवर्जन डाल दिया जो कंटेंट फेयर नहीं है, किसी भी कंपनी के रूल को फॉलो नहीं कर पाता है, इसलिए उन्होंने मेरे चैनल पर स्ट्राइक दे दी। पहली बार तो मैंने भी सोचा कि वीडियो को डिलीट कर देता हूँ फिर मैं रिक्वेस्ट डालूँ, तो आप ऐसी गलती ना करें। मैंने वीडियो को डिलीट नहीं किया, मैंने सीधा एक जाके देखा कि हमारे चैनल का जो मेन पेज है, चैनल पे जाएंगे एडिटर में, चैनल के एडिटर में जाएंगे, उसमें जाके देखेंगे तो आपको स्ट्राइक मिलेगी। स्ट्राइक को एक्सप्लेन करके नीचे सी पूरा उसको खोल के देखें, उसमें लिखा मिलेगा कि स्ट्राइक इतने टाइम तक आपके चैनल पर रहेगी, दिस टाइम टू दिस टाइम। फिर उसके बाद आपको मिलेगा कि इसे आप एक अपील कर सकते हैं। सिर्फ आप यह ध्यान रखें कि जो आप अपील करेंगे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक के लिए, एक स्ट्राइक पे सिर्फ आप एक बार ही अपील कर पाएंगे, उसके बाद आप कोई अपील नहीं कर पाएंगे। ये आपको ध्यान होना चाहिए कि आपको एक अपील करने के बाद आपके चैनल से कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक ज़रूर और ज़रूर हट जाएगी, उसके बाद आपको वीडियो डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस वीडियो को आप डिलीट नहीं करेंगे तो बाय द वे दोबारा से आपके चैनल पर स्ट्राइक आ सकती है, तो आप दोबारा अपील नहीं कर पाएंगे। इस बात को प्रॉपरली ध्यान रखें कि अगर एक बार अपील कर देते हैं और आपके चैनल से कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक हट जाती है तो उसके बाद आप उस वीडियो को डिलीट करेंगे। मैं मेरे चैनल की जो वीडियो रिमूव हो गई थी वो भी आपको दिखाऊंगा, उससे कैसे मैंने वापस से रिकवर करवाया वो भी मैं आपको सामने दिखाने वाला हूँ, वीडियो में देखते रहिएगा। अब सबसे पहले बता दिया था आपको कि आप वीडियो डिलीट नहीं करेंगे, उसके बाद आप एक अपील जो है नीचे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आई है उसके नीचे जाएंगे, उस पर लिखा है अपील, उसके थ्रू आप अपील करेंगे। अपील में आपको कुछ लिखना है कि मेरा कंटेंट फेयर था नहीं था, जो आपको सही लगे भी मेरी वीडियो वापिस आ सकती है, उस तरीके से आप उस बॉक्स में लिखेंगे और उस अपील को सबमिट करेंगे। जैसे ही आप अपील को सबमिट करेंगे उसके 24 घंटे के अंदर आपको एक मेल मिलेगी। जैसे ही अपने पास कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आता है तो भी हमारे मेल आईडी पे एक मेल आता है जिससे हमें पता लगता है कि हमारे इस वजह से कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आया है। उसके बाद आपको जो सबमिट करना है उसके बाद आपके मेल आएगी कि कंटेंट फेयर है, इसको रिमूव नहीं किया जाएगा, गलती से मतलब रिमूव कर दिया गया था, रिकवर करने के बाद रिमूव नहीं किया जाएगा। तो ऐसा करके बाद आप भी उस वीडियो को रख सकते हैं, बट अगर आपकी मेल में आता है कि आप हमारे लिए कंटेंट साफ़ नहीं है तो उस वीडियो को आपको डिलीट करना है। जैसे कि मेरे वीडियो में दिखाई दे रहा है कि ये कंटेंट मेरे लिए फेयर नहीं था, मैंने इस वीडियो को डिलीट करना ही पड़ेगा, तो ऐसा कुछ है तो मैंने इस कंटेंट को डिलीट कर दिया है, इस प्रकार करना है, ऐसे आपको सबमिट करना है। चलिए मैं दिखा देता हूँ। देखिए मेरे चैनल के ऊपर कंटेंट जो था रिस्ट्रिक्टेड हो चुका था, जिसकी स्ट्राइक थी वो स्ट्राइक भी हट चुकी है। मान ली 5 मिनट के बाद मैंने देखा तो स्ट्राइक हट चुकी थी। जैसे ही मैंने मेल डाली यूट्यूब को, यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो को जो पार्टनर प्रोग्राम है उसको मेल डालने के बाद मात्र 10 मिनट के बाद मेरे चैनल से जो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक है वो हट चुकी थी।
आप भी देख सकते हैं, देखिए कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक हटी हुई है और मेरी जो वीडियो है वो भी मुझे वापस मिल चुकी है। अब मुझे क्या करना है कि जो मेरे पास मेल आई है उसके हिसाब से मुझे इस वीडियो को डिलीट करना होगा, इस वीडियो को है ना मुझे डिलीट करना होगा, क्योंकि उनके लिए ये वीडियो उनकी टर्म एंड कंडीशन को फॉलो नहीं कर पाती है, तो इस वीडियो को डिलीट करना है। इस वीडियो को डिलीट कर दें और कोई इसी टॉपिक की वो नई वीडियो जो आपको सूट करेगी, हाँ अच्छा है ये कंटेंट, अब इसे यूट्यूब डिलीट नहीं करेगा, तो आप डाल सकते हैं। अगर वरना इस वीडियो को आप रहने देंगे तो दोबारा से आपको यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक डाल देगा, फिर आप कोई अपील नहीं कर पाएंगे। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ कि आप सिर्फ एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक पे या कॉपीराइट स्ट्राइक पे सिर्फ एक बार अपील कर सकते हैं, उसके बाद आप कोई अपील नहीं कर पाएंगे। तो देखना दोस्तों इस वीडियो में, धन्यवाद, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करें बिना कहीं मत जाना दोस्तों, अगर जानकारी आपके लिए अच्छी लगी हो तो। जय हिंद, वंदे मातरम।